फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इन दिस वीडियो वी हैव डिस्कस अबाउट क्लास 12 एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है, चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 एज आर इक्वल टू ए बी सच दैट बी इक्वल टू ए प्लस 1 इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। यानी कि इसमें ये कह रहा है चेक वेदर द रिलेशन, यानी कि रिलेशन को चेक करना है कि ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या फिर ट्रांजिटिव है। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। बाकी दो क्वेश्चन की बात हम लोगों ने पहले कर चुकी है, ठीक है ना, पिछले वीडियो में हम लोगों ने की थी। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग इसमें। तो सबसे पहले क्या है, हम लोग लिखेंगे आर रिलेशन, आर लिखेंगे क्या, रिलेशन आर इन द सेट, इन द सेट, इन द सेट 1, 2, 3, 4, 5, 6, राइट, 1, 2, 3, 4, 5, 6। देन इट इज गिवन दैट ए कॉमा बी सच दैट, ए कॉमा बी सच दैट बी इक्वल टू ए प्लस 1, राइट, ए कॉमा बी सच दैट बी इक्वल टू ए प्लस 1। तो चलिए हम लोग रिलेशंस को लिख लेते हैं इस बेस पे। तो अगर इस बेस पे रिलेशन को लिखेंगे हम लोग, तो अगर ए की वैल्यू 1 रखते हैं, ए की वैल्यू अगर हम लोग 1 रखेंगे तो बी की वैल्यू क्या आएगी, 1 और 1 क्या आएगा, 2 आएगा, राइट। अब अगर ए की वैल्यू हम लोग 2 रखते हैं, ए की वैल्यू अगर हम लोग क्या करेंगे 2 रखेंगे तो क्या होगा, 2, 1, 3, बी की वैल्यू क्या आ जाएंगे, 3 आ जाएगी। ठीक है ना, ए की वैल्यू अगर 3 रखते हैं तो बी की वैल्यू 4 आ जाएगी, ऐसे 4 रखेंगे तो 5 आएगी बी की वैल्यू, और 5 रखेंगे तो बी की वैल्यू 6 आएगी, और 6 रखेंगे तो 7 आएगी। 7 है क्या इसमें, 7 नहीं है तो हम लोग को ये नहीं लिखना है, ठीक है ना, यहाँ पर 7 नहीं था इसलिए हम लोग को आगे नहीं लिखना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग चेक करते हैं ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है कि नहीं है, ठीक है ना, ये हम लोग चेक करेंगे। सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं, हम लोग देखते हैं किसी का भी ऑर्डर पेयर यहाँ पे नहीं है, तो जब किसी का भी ऑर्डर पेयर नहीं होता है तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं होता है, रिफ्लेक्सिव नहीं होता है तो क्या लिखेंगे, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5 एंड 6, 6 does not belongs to R, does not belongs to R, so yeah, therefore R is not reflexive, R reflexive नहीं है। मतलब क्या, मतलब ये है कि R जो है R सतुल्य नहीं है, सतुल्य नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हम लोग चेक करते हैं सिमेट्रिक, देखते हैं सिमेट्रिक है कि नहीं। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे 1, 2 बिलोंग्स टू R, अगर 1, 2 R से बिलोंग कर रहा है, बट 1, 2 तो R से बिलोंग कर रहा है, बट 2, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R, 2, 1 है नहीं यहाँ पर, 1, 2 तो है लेकिन 2, 1 नहीं है। जब 2, 1 नहीं है इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है therefore R is not symmetric, यानी कि R symmetric भी नहीं है, R symmetric भी नहीं है। तो चलिए, यानी symmetric मतलब क्या हो गया, सममित नहीं है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट में क्या है हम लोग को क्या देखना, ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव में हम लोग क्या देखते हैं, ए बी देखते हैं, बी सी देखते हैं, फिर अगर सी ए मिल जाता है तो हम लोग कहते हैं ट्रांजिटिव है, ए बी और बी सी अगर रहता है सी ए मिल जाएगा तो हम लोग कहेंगे ट्रांजिटिव है। तो चलिए देख लेते हैं, यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो, अगर हम लोग देखेंगे 1, 2
वन टू बिलोंग्स टू आर, वन टू क्या कर रहा है आर से बिलोंग कर रहा है, वन टू यानी ए बी बी सी, बी सी यानी क्या बी और सी, ठीक है ना, वन टू बिलोंग्स टू आर एंड एंड टू थ्री बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज दैट देखिए वन टू हो गया सॉरी ए बी हो गया बी सी हो गया, अब सी ए में क्या आएगा वन और थ्री आएगा क्योंकि ए बी ए में क्या है वन है और बी सी हो गया सी क्या है थ्री है तो ए सी आना चाहिए वन थ्री, क्या यहाँ पे वन थ्री है, वन थ्री है नहीं है यहाँ लिखेंगे बट वन थ्री डज नॉट बिलोंग्स टू आर, वन थ्री डज नॉट बिलोंग्स टू आर, वन थ्री आर से बिलोंग नहीं कर रहा है इसलिए यानी कि ए बी और बी सी आर से बिलोंग कर रहा है लेकिन वन थ्री आर से बिलोंग नहीं कर रहा है इसलिए हम लोग कह सकते हैं क्या देयरफॉर आर इज नॉट ट्रांजिटिव, आर क्या है ट्रांजिटिव नहीं है, आर इज नॉट ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव मतलब संक्रामक नहीं है, ठीक है ना, जो रिलेशन है वो संक्रामक नहीं है। तो ये था क्वेश्चन नंबर थ्री, तो क्वेश्चन नंबर थ्री को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर फोर की बात करते हैं, नोट डाउन कर लीजिए आप इसको। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फोर को देखते हैं अब हम लोग, सो दैट द रिलेशन आर इन आर डिफाइंड एज आर इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए इज ग्रेटर और इक्वल टू बी इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, सॉरी ए इज लेस और इक्वल टू बी इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, यानी कि कहा क्या गया है कि ये रिफ्लेक्सिव होगा, जो रिलेशन दिया है वो क्या होगा रिफ्लेक्सिव होगा ट्रांजिटिव होगा लेकिन सिमेट्रिक नहीं होगा, ये हम लोग को शो करना है, ठीक है ना, ये हम लोग को दिखाना है। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन, तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं क्या गिवन है, आर इक्वल टू ए बी सच दैट ए बी सच दैट ए लेस और इक्वल टू बी, राइट लेस और इक्वल टू बी, तो हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले हम लोग देखते हैं हम लोग को क्या शो करना है रिफ्लेक्सिव है, ठीक ना, फिर हम लोग को शो करना है ट्रांजिटिव है, राइट, तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव देख लेते हैं, तो हम लोग यहां लिखेंगे ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, ए एस जो होगा आर से बिलोंग करेगा एस बिकॉज ए इक्वल टू ए, क्योंकि ए एक इक्वल हो सकता है, ठीक है ना, इसलिए ये ए कॉमा ए क्या होगा आर से बिलोंग करेगा, सो या देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव, जो रिलेशन है वो क्या है रिफ्लेक्सिव है, राइट, ए क्या होगा आर से बिलोंग करेगा, क्यों, क्योंकि ए इक्वल टू क्या है ए इक्वल टू ए हो सकता है कि नहीं, ए इक्वल टू ए हो सकता है इसलिए क्या होगा ए ए बिलोंग्स टू आर होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आगे हम लोग को क्या करना है, अगर हम लोग कोई भी यहां पर नंबर ले लेते हैं, मान लीजिए यहां पर हम लोग कोई भी नंबर ले लेंगे, नंबर से हम लोग क्या करेंगे सिमेट्रिक को देखेंगे, सिमेट्रिक है कि नहीं है अगर हम लोग उस बेस पे देखेंगे, तो मान लीजिए अगर मैं नंबर ले लेता हूं यहां पर जैसे टू और फोर, टू फोर लूंगा, राइट, टू फोर बिलोंग्स टू आर, टू फोर आर से बिलोंग करेगा, क्यों, क्योंकि जो टू है वो लेस है फोर से, राइट, क्या टू है जो टू है वो लेस है किससे फोर से, सिमेट्रिक में क्या होता है टू फोर अगर आर से बिलोंग कर रहा है तो फोर टू भी क्या करेगा आर से बिलोंग करेगा, तो चलिए देख लेते हैं फोर टू भी आर से बिलोंग करता है या नहीं करता है, अब देखेंगे फोर टू डज नॉट बिलोंग्स टू आर, लेकिन फोर टू आर से बिलोंग नहीं करेगा, क्यों, क्यों,
इसलिए नहीं करेगा O2 R से बिलोंग, क्योंकि हम लोग यहाँ पे देखेंगे जो 2 है सॉरी जो 4 है वो 2 से क्या है ग्रेटर है, जो कि कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि जो A है वो B से लेस होना चाहिए। A क्या होना चाहिए, B से लेस होना चाहिए। यहाँ पे A क्या हो गया, B से ग्रेटर हो गया। A क्या हो गया, B से ग्रेटर हो गया। यहाँ देखिए लेस है तो ये तो बिलोंग करता है R से, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है ग्रेटर हो जा रहा है, इसलिए ये R से बिलोंग नहीं करेगा। तो 2-4 R से बिलोंग किया लेकिन 4-2 R से बिलोंग नहीं किया। इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या, R इज नॉट सिमेट्रिक, R सिमेट्रिक नहीं होगा, R सिमेट्रिक नहीं होगा, सममित नहीं होगा, राइट। तो सिमेट्रिक हो गया रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया सॉरी सिमेट्रिक हो गया और रिफ्लेक्सिव हो गया। चलिए ट्रांजिटिव की बात करते हैं, ट्रांजिटिव में देखते हैं, अगर हम लोग कहते हैं ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, मान लीजिए अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है और बी सी बिलोंग्स टू आर है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ ए जो होगा ग्रेटर और इक्वल टू होगा बी के, सॉरी लेस और इक्वल टू होगा बी से, ठीक है ना। और क्या होगा बताइए, एंड एंड बी लेस और इक्वल टू होगा सी से, राइट, लेस और इक्वल टू होगा सी से। तो जब ए क्या है, ए लेस है लेस और इक्वल टू बी से है और बी क्या है लेस और इक्वल टू सी से है, तो ये बताइए ए लेस और इक्वल टू सी नहीं होगा, होगा ना, बोलिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए ए लेस और इक्वल टू सी, ए लेस और इक्वल टू सी होगा, इम्प्लाइज दैट इसलिए ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर होगा, ए और सी क्या होगा बिलोंग्स टू आर होगा। यानी कि हम लोग को क्या मिला, ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। जब हम लोगों ने इन दोनों सॉल्व किया तो हमको ये मिला, तो ए सी बिलोंग्स टू आर हो गया, इम्प्लाइज दैट ए सी बिलोंग्स टू आर, ठीक है ना। तो ये सब कुछ हमको मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या है, देयर फोर आर इज ट्रांजिटिव, आर इज ट्रांजिटिव, ठीक है ना। यानी कि आर क्या है, संक्रामक है, राइट। तो हम लोग को क्या दिखाना था, रिफ्लेक्सिव है तो रिफ्लेक्सिव दिखा दिया हम लोगों ने, और ट्रांजिटिव है ट्रांजिटिव दिखा दिया, नॉन सिमेट्रिक है तो नॉन सिमेट्रिक भी हम लोगों ने दिखा दिया। तो आप जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे, नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। चेक वेदर द रिलेशन आर इन आर डिफाइंड एज आर इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए लेस और इक्वल टू बी क्यूब इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। यानी कि हम लोग को ये दिखाना है कि ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है कि नहीं है, ठीक है ना। चलिए हम लोग देखते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 5 है क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 भी उसमें जो रिलेशन था वो ऐसे दिया था ए लेस और इक्वल टू बी स्क्वायर, यहाँ क्यूब कर दिया, यहाँ क्यूब कर दिया है। हम लोग को वैसे ही सॉल्व करना है जैसे क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किए थे, ठीक है ना। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, ठीक है ना, ठीक है। चलिए चेक करते हैं हम लोग, आर इक्वल टू ए बी सच दैट ए बी सच दैट ए लेस और इक्वल टू बी क्यूब दैट इज गिवन, इट इज गिवन, गिवन है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं, जब ये गिवन है तो आगे देखते हैं हम लोग रिफ्लेक्सिव के लिए। अगर हम लोग मान लीजिए अगर हम लोग यहाँ पे 2 और 2 लेते हैं, 2 और 2 राइट, 2 और 2 लेंगे
ठीक है ना। तो क्या होगा, मान लेते हैं टू और टू बिलोंग्स टू आर है, तो इसका मतलब क्या है, एस टू जो होगा लेस और इक्वल टू होगा टू क्यूब के होगा, यानी टू क्या होगा लेस और इक्वल टू होगा एट के, ठीक है ना। अगर मान लीजिए हम लोग कोई निगेटिव नंबर ले लेते हैं, माइनस थ्री बिलोंग्स टू आर, तो इसका मतलब ये क्या है, माइनस थ्री क्या होगा लेस और इक्वल टू होगा लेस, सॉरी लेस होगा, इक्वल नहीं रखना है, लेस होगा किससे, माइनस थ्री क्यूब से, क्यों यही हो सकता है, माइनस थ्री क्यूब से क्या लेस होगा, चलिए चेक कर लेते हैं लेस होगा कि नहीं होगा। तो माइनस थ्री और यहाँ क्या हो जाएगा, थ्री का अगर क्यूब करेंगे माइनस ट्वेंटी सेवन होगा, यानी कि क्या हो जा रहा है, ये ग्रेटर हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है, माइनस थ्री क्या हो जा रहा है, माइनस थ्री क्यूब से ग्रेटर हो जा रहा है, यानी कि माइनस थ्री आर से बिलोंग नहीं करेंगे, माइनस थ्री डज नॉट बिलोंग टू आर, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब माइनस थ्री डज नॉट बिलोंग टू आर, इसका हम लोग कह सकते हैं देयर फोर इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये क्या है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सिमेट्रिक, सिमेट्रिक में हम लोग को क्या देखना है, ए बी फिर बी ए देखना है, ठीक है ना, ए बी और बी ए देखना है। चलिए हम लोग देख लेते हैं, सिमेट्रिक तो इजी है, हम लोग देख सकते हैं, यानी कि अगर हम लोग मान लें वन और फोर, सॉरी टू और थ्री, टू थ्री बिलोंग्स टू आर, टू सॉरी बिलोंग्स टू आर, टू थ्री बिलोंग्स टू आर, इट मीन्स टू लेस और लेस, टू इज लेस देन थ्री क्यूब, टू क्या होगा थ्री क्यूब से लेस होगा, राइट क्या होगा थ्री क्यूब से लेस होगा और लेस है, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग चेक करते हैं इसका अपोजिट, यानी थ्री टू, क्या थ्री टू में ये कंडीशन अप्लाई हो रहा है, अगर नहीं हो रहा है तो ये ट्रांजिटिव, सॉरी ये सिमेट्रिक भी नहीं है। तो चलिए थ्री और टू देखते हैं, थ्री टू यहां पर अगर देखेंगे तो ये क्या हो गया, एस यहां पर अगर हम लोग थ्री देखेंगे और लेस इक्वल टू टू स्क्वायर, सॉरी टू क्यूब, तो यहां क्या हो गया थ्री लेस क्या हो जाएगा एट हो जाएगा। चलिए ये भी तो अप्लाई हो रहा है, ठीक है ना, ठीक है, टू थ्री बिलोंग्स टू आर हो गया, ये हो गया, और थ्री टू बिलोंग्स टू आर हो गया, ये भी अप्लाई हो गया, ठीक है ना। अगर हम लोग मान लीजिए कुछ ऐसा नंबर रखते हैं, कुछ ऐसा नंबर रख देते हैं हम लोग, मान लीजिए यहां पर अगर हम लोग वन रख देते हैं, वन रखेंगे तो वन क्या होगा, वन लेस तो हो जाएगा, ठीक है ना। अगर मैं इसको एक कंडीशन हम लोग देख रहे हैं कि क्या इस कंडीशन में भी वही चीज है, अगर इस कंडीशन में भी वही चीज नहीं है तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा। चलिए थ्री वन बिलोंग्स टू आर हो गया, थ्री वन क्या हो गया बिलोंग्स टू आर हो गया। अब यहां पे अगर हम लोग देखेंगे वन क्यूब तो क्या हो जाएगा, थ्री लेस वन, क्या ऐसा होगा, नहीं, थ्री क्या हो जाएगा ग्रेटर टू वन हो जाएगा। अब तो जो कंडीशन है वो अप्लाई नहीं हो रहा है, जब कंडीशन अप्लाई नहीं हो रहा है इट मीन्स देयरफॉर इट इज नॉट सिमेट्रिक, यानी कि ये सिमेट्रिक भी नहीं है। पहले हम लोगों ने टू थ्री रख करके चेक किया तो आ गया, फिर हम लोगों ने चेंज किया, चेंज करके ये देखा अगर कोई और नंबर रखते हैं तो आता है सिमेट्रिक होता है कि नहीं, तो कोई और नंबर रखने पर सिमेट्रिक नहीं हुआ, यानी कि ये सिमेट्रिक नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, आगे इधर ही हम लोग देख लेते हैं। अच्छा ट्रांजिटिव दिखाने के लिए हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर टू में मैं एक मेथड बताया था कि एक मेथड आप लोग सीख लीजिए तो आराम से दिखा सकते हैं ट्रांजिटिव है कि नहीं है, ठीक है ना।
क्या देखा था हम लोगों ने कि अगर मान लीजिए एक नंबर थ्री ले लिया और एक इससे छोटा नंबर ले लिया, इससे छोटा मान लीजिए थ्री बाई टू ले लिया, एक थ्री ले लिया और थ्री बाई टू ले लिया, अब क्या करूंगा, थर्ड नंबर ऐसा होना चाहिए, एक एक नंबर एक ऐसा नंबर लीजिए यानी कि कोई नंबर लीजिए, दूसरा नंबर उससे छोटा होना चाहिए, दूसरा नंबर उससे छोटा होना चाहिए, और तीसरा नंबर जो होगा ऐसा होना चाहिए कि उस नंबर का जो क्यूब होगा वो थ्री बाय टू से ग्रेटर होगा और थ्री से क्या होगा, लेस होगा, ठीक है ना। यानी कि तीसरा ऐसा नंबर हम लोग को लेना है कि जिसकी वैल्यू क्या होगा, थ्री बाय टू से ग्रेटर होगा लेकिन थ्री से क्या होगा, लेस होगा, ठीक है ना। ऐसा नंबर क्या है, 1.2। 1.2 का अगर हम लोग क्यूब करेंगे, देखिए 3/2 का 3/2 की वैल्यू क्या होती है, 3/2 की वैल्यू क्या होगी, 1.5 होगी। अगर हम लोग 1.2 का अगर हम लोग क्यूब करते हैं तो 1.728 आएगा, 1.728 आएगा। तो ये बताइए 1.728 यहाँ क्या है, 1.5 है, यहाँ पर 1.7 है, तो ये क्या है, 1.5 से ग्रेटर है लेकिन 3 से लेस है। तो नंबर कौन कौन से हो गए, 3, 1.5 एंड 1.2, ये हो गए, ठीक है ना, 3, 1.5 एंड 1.2। यानी कि हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3, 1.5 बिलोंग्स टू आर एंड 1.5, 1.2 belongs to R, then यहाँ लिखेंगे, क्यों, क्योंकि जो 3 होगा वो लेस होगा 1.5 स्क्वायर से, ठीक है ना। क्या ये ऐसा होगा, लेस तो नहीं होगा, बोलिए, लेस नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि 3 है यहाँ पर, 1.5 का अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, 2.25 आएगा, क्या आएगा, 2.25 आएगा, ठीक है ना। तो इस पर तो सॉल्व नहीं हो पा रहा है, नहीं सॉरी, देखिए यहाँ पर क्यूब है ना, यस क्यूब, तो इससे ग्रेटर हो जाएगा, ठीक है ना, तो सॉल्व हो गया यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या होगा, 3 लेस हो जाएगा 1.5 के क्यूब से, ठीक है ना। चलिए क्यूब की बात थी, एंड 1.5 लेस होगा, इक्वल नहीं लगाना हम लोग को, लेस होगा किससे, 1.2 के क्यूब से, ठीक है ना, लेस हो गया 1.2 के क्यूब से, हम लोगों ने देखा था कि लेस था, ठीक है ना। चलिए तो इसका मतलब क्या है, ये तो 3 क्या हो गया, 1.5 से लेस हो गया, 1.5 1.2 से लेस हो गया, इसके क्यूब से लेस हो गया, यानी 3 क्या हुआ, 1.5 के क्यूब से लेस हो गया, 1.5 क्या हो गया, 1.2 के क्यूब से लेस हो गया, लेकिन जो 3 है, 3 यानी कि ए बी हो गया और बी सी हो गया, ए सी यानी कि 3 क्या होगा, 3 इज ग्रेटर होगा 1.2 के क्यूब, यानी कि 1.2 क्यूब क्या होगा, लेस देन 3 होगा, 1.2 क्यूब क्या होगा, लेस देन 3 होगा कि नहीं, अभी हम लोगों ने देखा था, क्योंकि 1.728 आएगा, 1.2 का क्यूब क्या आएगा, 1.728 आएगा, तो देखिए लेस है कि नहीं, यानी कि ये लेस है किससे, 3 से, तो 3 क्या है, ग्रेटर है, तो क्या ये कंडीशन अप्लाई हो रहा है, नहीं, कंडीशन में क्या कहा गया है, एसी यानी कि ए क्या होना चाहिए, ए ग्रेटर होना चाहिए किससे, सी से, ये होना चाहिए, ठीक है ना, ये होना चाहिए, सॉरी ए लेस होना चाहिए किससे, सी से, ये कंडीशन होनी चाहिए, लेकिन यहाँ कंडीशन क्या हो गई, अपोजिट हो गई, इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं कि ए सी यानी कि जो 3.1.2 है डज नॉट बिलोंग्स टू आर है, ठीक है ना, डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो देयरफॉर इट इज नॉट ट्रांजिटिव, इट इज नॉट ट्रांजिटिव। तो आप जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है ना, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, सो दैट द रिलेशन आर इन सेट 1, 2, 3 गिवन बाई
रिलेशन दिया हुआ है 1 2 एंड 2 1, इस सिमेट्रिक ये सिमेट्रिक है लेकिन रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है, ये हम लोग को शो करना है, ठीक है ना, कि ये जो रिलेशन है सिमेट्रिक है लेकिन रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है। चलिए हम लोग चेक कर लेते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन लिखते हैं, गिवन दैट r इज इक्वल टू 1 2 एंड 2 1, राइट, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले हम लोग चेक कर लेते हैं रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, ठीक है ना, रिफ्लेक्सिव नहीं है ट्रांजिटिव नहीं है वो दे हम लोग को शो करना है, तो चलिए हम लोग शो करते हैं रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, 1 1 2 2 इसमें है ही नहीं, आर से बिलोंग नहीं कर रहा है, देयरफोर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर रिफ्लेक्सिव नहीं है। चलिए अब क्या करना है हम लोग को, सिमेट्रिक चेक करना है, 1 2 बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज दैट 2 1 आल्सो बिलोंग्स टू आर, दोनों आर से बिलोंग कर रहे हैं क्योंकि 1 2 और 2 1 दोनों है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि आर इज सिमेट्रिक, ये क्या है सिमेट्रिक है, राइट, क्या है सिमेट्रिक है, यानी सममित है, ये स्वतुल्य नहीं है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्या है हम लोग को दिखाना है, ट्रांजिटिव नहीं है, तो चलिए वो भी दिखा देते हैं, 1 2 बिलोंग्स टू आर एंड 2 1 1 2 ए बी बी सी 2 1 बिलोंग्स टू आर बट ए सी होना चाहिए, ए सी मतलब ए और सी, 1 1 क्या 1 1 है यहां पर, बट 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, लेकिन 1 1 आर से बिलोंग नहीं कर रहा है, सो देयरफोर आर इज नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है ना। ये हम लोग को शो करना था कि सिमेट्रिक है तो सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव नहीं है और ट्रांजिटिव नहीं है। तो आप जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 6, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 गिवन दैट सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल द बुक्स इन अ लाइब्रेरी ऑफ अ कॉलेज गिवन बाय आर इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। देखिए इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, अगर हम लोग को ट्रांजिटिव और रिलेशन अगर ट्रांजिटिव हो जाता है, सिमेट्रिक हो जाता है और रिफ्लेक्सिव हो जाता है, अगर रिलेशन रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक तीनों हो जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं, ठीक है ना। चलिए हम लोग देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन लिखते हैं, यहां पे हम लोग लिखेंगे यहां पर ए इज द बुक्स इन अ लाइब्रेरी ऑफ अ कॉलेज, यानी कि ये क्या है, ए इज द सेट ऑफ बुक्स, ठीक है ना, ए इज द सेट ऑफ बुक्स बुक्स इन ए लाइब्रेरी ऑफ अ कॉलेज। और आगे क्या गिवेन है आर इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स एंड वाई है सेम नंबर ऑफ पेजेस, ठीक है ना, ठीक है ना। चलिए
चलिए आगे हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं रिफ्लेक्स लूप है कि नहीं है, ठीक है ना। चलिए देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, हम लोग यहाँ पे ये लिख सकते हैं एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर बिकॉज ऑफ एक्स एंड एक्स, जो बुक एक्स है जितने भी बुक एक्स होंगे उसमें सेम नंबर ऑफ पेज होंगे कि नहीं, इसलिए एक्स और एक्स क्या होगा बिलोंग्स टू आर होगा, ठीक है ना। तो एक्स एंड एक्स एस एक्स एंड एक्स है सेम नंबर ऑफ पेजेस, ठीक है ना। क्योंकि जो भी एक्स है यानी कि जो बुक एक्स है उसमें जितने भी बुक एक्स है उसमें क्या होगा सेम नंबर ऑफ पेजेस होगा। जो बुक एक्स है उसमें क्या होगा नंबर ऑफ पेजेस सेम ही होगा ना, अलग तो नहीं होगा, ठीक है ना। इसलिए क्या हो गया रिफ्लेक्सिव। तो हम लोग कह सकते हैं इट इज रिफ्लेक्सिव, यानी कि आर क्या है आर इज रिफ्लेक्सिव, आर क्या है आर इज रिफ्लेक्सिव। नाउ फिर हम लोग चेक करते हैं कि ये सिमेट्रिक है या नहीं। चलिए अगर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है इसका मतलब क्या है, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है इसका मतलब क्या है, एक्स एंड वाई है सेम नंबर ऑफ पेजेस, राइट। इट इज गिवन दैट एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। जब एक्स और वाई के सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं, इसका मतलब वाई एक्स के भी सेम नंबर ऑफ पेज होंगे, चाहे एक्स वाई के सेम नंबर ऑफ पेजेस कहिए चाहे वाई एक्स के सेम नंबर ऑफ पेजेस कीजिए, बुक को पलट देने से उसके पेजेस तो चेंज नहीं होंगे, ठीक है ना, उसके पेजेस कम या अधिक नहीं हो जाएंगे बुक को पलट देने से। तो एक्स वाई कहिए या फिर वाई एक्स कीजिए, लेकिन पेज के जो नंबर होंगे वो सेम रहेंगे, ठीक है ना। तो जब एक्स वाई है सेम नंबर ऑफ पेजेस तो इसका मतलब क्या है y and x है सेम नंबर ऑफ पेजेस, ठीक है ना। तो y और x में भी क्या होगा सेम नंबर ऑफ पेजेस होगा, इम्प्लाइज दैट इसका मतलब ये है कि y x क्या होगा y x बिलोंग्स टू r होगा। इसका मतलब क्या therefore R is symmetric. R क्या होगा symmetric होगा। चलिए ट्रांजिटिव देख लेते हैं। जब एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एक्स वाई कॉमा वाई एक्स बिलोंग्स टू आर इट मीन्स ये है कि एस एक्स एंड वाई है सेम नंबर ऑफ पेजेस एक्स वाई है ना वाई जेड मान लेता हूं एक्स वाई और वाई जेड बिलोंग्स टू आर है, इसका मतलब क्या है x and y have same number of pages then and y and z have also same number of pages right। तो y z का भी same number of pages होगा। जब वाई जेड का सेम नंबर ऑफ पेजेस होगा इसका मतलब जेड है एक्स जेड का भी सेम नंबर ऑफ पेजेस होगा कि नहीं होगा। अरे एक्स वाई की इक्वल है मान लीजिए, वाई जेड के इक्वल है तो एक्स जेड के इक्वल होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे देन एक्स एंड जेड हैव आल्सो है सेम नंबर ऑफ पेजेस, ठीक है ना। तो x और z के भी सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे, ठीक है ना। इसका मतलब ये हो गया देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे इम्प्लाइज दैट करके लिखेंगे
इम्प्लाइज दैट एक्स जेड आल्सो बिलोंग्स टू आर. क्या होगा, एक्स जेड आल्सो बिलोंग्स टू आर. तो अगर हमको ए बी बी सी मालूम है तो ए सी मिल गया. जब ए सी मिल गया इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये ट्रांजिटिव है. देयर फोर आर इज ट्रांजिटिव, आर इज ट्रांजिटिव. आर क्या है, ट्रांजिटिव है. आर ट्रांजिटिव है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो दिया गया रिलेशन है वो क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन. तो हम लोग क्या लिखेंगे, आर इज, इट इज, इट इज एन, इट इज एन. मैं यहां पे लिख देता हूं थोड़ा यहीं पे, ठीक है ना. इसका मतलब ये है कि इट इज एन इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस रिलेशन, रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन. ये क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है. तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं. नोट डाउन कर लीजिए. नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8. सो दैट रिलेशन आर इन, रिलेशन आर इन सेट ए 1, 2, 3 एंड 4 गिवन बाय आर इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए माइनस बी इज इवन. एनी ए माइनस बी मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी इज गिवेन, सॉरी इज इवन, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन. यानी ये क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है. ये हम लोग को शो करना है, ठीक है ना. चलिए वो तो हम लोग शो कर देंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन है. चलिए, सो दैट ऑल द एलिमेंट्स 1, 2, 1, 3, 5 आर रिलेटेड टू इच अदर एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 2, 4 आर रिलेटेड टू इच अदर बट नो एलिमेंट्स ऑफ 1, 3, 5 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट्स ऑफ 2, 4. इसमें ये क्या कह रहे हैं कि जो 1, 3, 5 है, 1, 3, 5 है, ये जो सेट है, ठीक है ना, यानी कि इसका जो सबसेट है वो क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड है. राइट, एक दूसरे से रिलेटेड है. मतलब अभी समझिएगा, यानी कि अगर हम लोग इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इवन नंबर आएगा, ठीक है ना. और अगर 2, 4 होगा, ये भी सेट क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड है. मतलब अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे इवन नंबर आएगा. लेकिन लेकिन ये और ये जो 1, 3, 5 है और 2, 4 है, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड नहीं होंगे. ये हम लोग को दिखाना है. तो ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड नहीं होंगे क्योंकि ये इवन है, ये और, सॉरी, ये ऑड है, ये इवन है, ठीक है ना. और इन दोनों जो हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कभी भी इवन नंबर आएगा ही नहीं, ठीक है ना. चलिए पहले हम लोग इक्विवेलेंस सॉल्व कर लेते हैं, फिर आगे की बात करते हैं, ठीक है ना. इक्विवेलेंस सॉल्व कर लेते हैं. तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन. सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे, सबसे पहले हम लोग कंडीशन को देखते हैं, कंडीशन को देखते हैं. आर इन सेट ए, सबसे पहले लिखेंगे रिलेशन, रिलेशन आर इन द सेट ए, सेट ए, सेट में आगे क्या है, आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट ए मॉडुलस ऑफ, मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी, ए माइनस बी इज इवन, इज इवन. राइट, चलिए हम लोग रिफ्लेक्शन देख लेते हैं. हम लोग लिखेंगे फॉर ऑल, फॉर ऑल, फॉर ऑल, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, ए बिलोंग्स टू ए, ठीक है ना, ए बिलोंग्स टू ए. यानी ये क्या कर रहा है, ए से बिलोंग कर रहा है, ए बिलोंग्स टू ए. इसका मतलब क्या है, अगर ए माइनस ए करेंगे क्या आएगा, जीरो आएगा, जीरो आएगा. क्या है, जीरो क्या है, इज इवन, जीरो क्या है, इवन, जीरो क्या है, इवन, जो कि क्या है, इवन है. अगर ये इवन है इसका मतलब ए कॉमा, सॉरी ए कॉमा ए क्या होगा, बिलोंग्स टू आर होगा. ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर होगा. जब ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर हो गया, इट मीन्स इट इज, इट इज रिफ्लेक्सिव, इट इज रिफ्लेक्सिव. इसका मतलब क्या है, ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है, इट इज रिफ्लेक्सिव. चलिए नेक्स्ट है, आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे ट्रांजिटिव. तो अगर हम लोग ए माइनस बी, सॉरी चलिए हम लोग लिखते हैं ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर. अगर ए बी क्या कर रहा है,
आर से बिलोंग कर रहा है। इट मीन्स इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि a माइनस बी मॉडुलस ऑफ a माइनस बी क्या आएगा, ए बी आएगा, जो कि क्या होगा, जो कि क्या होगा, इज इवन, इवन होगा, ठीक है ना, क्योंकि यहां दे रखा है a माइनस बी क्या है, इवन है, तो इसका मतलब ये इवन होगा। अब इसको अपोजिट कर दीजिए तो साइन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मॉडुलस लगा हुआ है, मॉडुलस से जब मॉडुलस को हटाएंगे तो साइन ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी, ठीक है ना, प्लस में ही मिलेगा जो भी हमको नंबर मिलेगा। इट मीन्स ये हुआ कि b माइनस ए मॉडुलस ऑफ b माइनस ए, मतलब b माइनस ए इज ऑल्सो इवेन। इट मीन्स क्या, इट मीन्स यानी कि क्या है, ये क्या है, इम्प्लाइज दैट b a बिलोंग्स टू r, b a बिलोंग्स टू r। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया, देयरफॉर इट इज व्हाट, सिमेट्रिक, इट इज सिमेट्रिक, राइट। नेक्स्ट हम लोग चेक करते हैं, अब क्या करेंगे, अगर हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड कर लें, इन्हीं दोनों का, चलिए अलग से कर लेते हैं हम लोग, सॉरी इन दोनों को नहीं ऐड करना आपको, चलिए a कॉमा b बिलोंग्स टू r एंड b कॉमा c बिलोंग्स टू r, इन दोनों का ऐड नहीं करना है अलग से, ये यानी कि जो हमारा वो कंडीशन है, ठीक है ना, ट्रांजिटिव का, b कॉमा c बिलोंग्स टू r, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ मॉडुलस ऑफ a माइनस बी इक्वल टू क्या होगा, a माइनस बी होगा, और ये क्या होगा, इवन होगा, क्या होगा, इवन होगा। एंड बी सी का मतलब क्या है, मॉडुलस ऑफ b माइनस सी क्या होगा, मॉडुलस ऑफ b माइनस सी का मतलब b माइनस सी, ये भी क्या होगा, इवन होगा, राइट, इवन होगा। अब इन दोनों को ऐड कर लीजिए जरा, जब इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो क्या होगा, a प्लस बी, सॉरी a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, ठीक है ना, तो क्या आएगा, ये देखिए इधर b से b कैंसिल, a माइनस सी आ गया, ठीक है ना, a माइनस सी क्या होगा, ये भी क्या है, क्या होगा, ये भी इवन होगा, क्योंकि दोनों को ऐड किया गया है ना, इवन नंबर को, ये इवन नंबर है, इवन नंबर है, मान लीजिए ये इवन नंबर है, ये इवन नंबर है, इवन नंबर को अगर इवन नंबर से ऐड करेंगे क्या आएगा, इवन नंबर ही तो आएगा, तो इवन को इवन से ऐड किया तो क्या आएगा, इवन आएगा, ठीक है ना, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया, a माइनस सी इवन का मतलब क्या हो गया, मॉडुलस ऑफ a माइनस सी। अब मॉडुलस ऑफ a माइनस सी का मतलब क्या हो गया बताइए, मॉडुलस ऑफ a माइनस सी का मतलब ये हो गया कि ac बिलोंग्स टू r, ac क्या करेगा, r से बिलोंग करेगा, यानी ए बी बिलोंग्स टू आर, बीसी बिलोंग्स टू आर, इम्प्लाइज दैट ए सी बिलोंग्स टू आर। इट मीन्स यहां पे देखते हैं हम लोग, इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन, ये क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है ना, चलिए इतनी बात हो गई कि इक्विवेलेंस रिलेशन हम लोग को दिखाना था, वो हम लोगों ने शो कर दिया, ठीक है ना, ठीक है ना। चलिए अब आप क्या करिएगा, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं इसको इरेज करता हूँ, फिर आगे हम लोग देखिए जो क्वेश्चन आ गए, सो दैट ऑल द एलिमेंट्स 1, 3, 5 आर रिलेटेड टू इच अदर एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 2, 4 आर रिलेटेड टू इच अदर बट नो एलिमेंट्स ऑफ 1, 3, 5 है, 1, 3, 5 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 2, 4। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं, नोट डाउन करिए। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं, इसमें इसी के नीचे आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना। चलिए देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, इसमें ये कह रहा है कि हम लोग को ये शो करना है कि जो 1, 3 है
135 जो एलिमेंट्स हैं 135 वो एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, रिलेटेड है, एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है। तो हम लोग लिखेंगे क्या, लिखेंगे द सेट ऑफ 135 एज अ सबसेट ऑफ ए इज सॉरी द एलिमेंट्स यहां पे लिखिएगा ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट 135 एज अ सबसेट ऑफ ए इज रिलेटेड टू ईच अदर एक दूसरे से रिलेटेड होंगे बिकॉज ऑफ दियर एलिमेंट्स आर ऑड, यानी कि इनके एलिमेंट्स क्या हैं, ऑड हैं। और बी नो डेट द मॉडुलस ऑफ डिफरेंस बिटवीन देम यानी कि देम का मतलब क्या हो गया, बिटवीन देम का मतलब क्या हो गया, ऑड नंबर के डिफरेंस का जो मॉडुलस होगा विल बी इवन, क्या होगा, इवन होगा। इसलिए क्या होगा, 135 क्या करेगा, रिलेटेड करेगा, यानी कि एक दूसरे से रिलेट, ठीक है ना, एक दूसरे से क्या होगा, रिलेटेड होगा, ठीक है ना। चलिए अब ऐसे ही हमको क्या लिखना है, आगे भी लिखना है, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट टू फोर एज अ सबसेट ऑफ ए इज रिलेटेड टू ईच अदर। यहां मैं सिमिलरली लगा दे रहा हूं, सिमिलरली ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट 2-4 एज अ सबसेट ऑफ ए इज रिलेटेड टू ईच अदर, जो कि एक दूसरे से क्या करेगा, रिलेटेड करेगा। बाकी रीजन सिमिलरली लगा दिए तो बाकी रीजन उसी में आ गया, ठीक है ना। तो लेकिन ये जो लास्ट में लिखा है बट नो एनी एलिमेंट्स ऑफ 135 दैट इज ऑड and 2-4 that is even can be related to each other, can be related to each each other लिख सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन कोई भी एलिमेंट्स 135 और 2-4 के एक दूसरे से रिलेटेड नहीं हो सकते हैं क्योंकि ये क्या है, ऑड है, ये क्या है, इवन है। और ऑड और इवन का जो डिफरेंस आएगा वो क्या होगा, इवन नहीं आएगा। तो यहाँ पे इस समय, ठीक है ना, क्योंकि 1 में से 2 को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे
बिकॉज ऑफ द मॉडुलस, द मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ डिफरेंस ऑफ, डिफरेंस ऑफ दियर, दियर, डिफरेंस ऑफ दियर, डिफरेंस ऑफ बिटवीन दियर, बिटवीन देम, बिटवीन देम विल नॉट बी, विल नॉट बी, विल नॉट बी, क्या होगा, विल नॉट बी इवन, यानी कि द डिफरेंस, द मॉडुलस ऑफ डिफरेंस ऑफ बिटवीन देम विल नॉट बी इवन, यानी कि इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, डिफरेंस का मॉडुलस होगा वो इवन नहीं होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना। थैंक यू।